नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 8 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में। देखिए अपन बात करते हैं, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अन अकेडमी की लर्निंग आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप सुनील पचार नाम लिखकर सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पर शो हो जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी के वीडियो आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो देखिए बिना वक्त गवाए आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट को 25 आधार अंक कम करके कितना प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए कितना प्रतिशत कर दिया है, इसको 6.25% कर दिया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2018-19 की द्विमासिक नीति समीक्षा में मुख्य नीति दर या रेपो रेट दर है उसको 25 आधार अंक है वो कम करके 25% करने का निर्णय लिया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। तो ये आप ध्यान रखना, आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। उसकी अध्यक्षता में एक मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय नीति समीक्षा बैठक है उसका आयोजन मुंबई के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया है कि 6.25% है इसकी रेपो रेट की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ट्रंप ने विश्व बैंक प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वरिष्ठ कोषागार अधिकारी जो डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास हैं 62 वर्ष के हैं और इनको 5 वर्ष के लिए विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में इनका नाम है वो चुना गया है। तो डेविड जो मालपास हैं वो इसका राइट आंसर होगा। विश्व बैंक समूह के निदेशकों के द्वारा मतदान किए जाने के ऊपर जिम योंग किम है उनकी जगह ये लेंगे। तो जिम योंग किम पहले थे और अब विश्व बैंक के प्रमुख कौन होंगे, डेविड मालपास होंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मेसोडोनिया नाटो में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बना है। तो मेसोडोनिया है वो नाटो में शामिल होने वाला 30वां सदस्य बना है। ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर होगा। मेसोडोनिया ने नाटो का मतलब क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है उसका मतलब क्या होता है नाटो, उसमें शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से एक समझौते के ऊपर मेसोडोनिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का ये 30वां सदस्य बन गया है। मेसोडोनिया के विदेश मंत्री कौन है, निकोला दिमित्रो है। निकोला दिमित्रो के अनुसार देश गठबंधन में कभी भी अकेले नहीं चलेगा। मेसोडोनिया जो है वो नाटो समझौता ग्रीस के साथ में मेसोडोनिया के नाम पर 27 वर्ष पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए भी एक समझौता है वो हुआ है। दरअसल नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है वो 29 उत्तरी अमेरिकी यूरोपीय देशों के बीच में एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका 30वां सदस्य कौन बना है, मेसोडोनिया बना है। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो बेल्जियम के अंतर्गत इनका मुख्यालय, बेल्जियम के जो ब्रुसेल्स है वहां पर हारेन के अंतर्गत इनका मुख्यालय वो स्थित है, जिसका 30वां सदस्य कौन बना है, मेसोडोनिया बना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रसार भारती एवं नेटवर्क विकास योजना को किससे मंजूरी मिल गई है। तो देखिए इसको सीसीईए से मंजूरी मिल गई है। सीसीईए का मतलब होता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति होती है, वही सीसीईए का मतलब होता है। उसने प्रसार भारती की प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास को मंजूरी देने का कार्य कर दिया है। 3 वर्ष की अवधि के लिए 1054 करोड़ रुपए की धनराशि है वो मंजूर की गई है। सीसीईए ने ग्रामीण कृषि बाजार के विकास बैंक और उन्नतिकरण के लिए कृषि बाजार अवसंरचना कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। नाबार्ड के साथ में 2000 करोड़ रुपए का कोष है वो बनाया जाएगा। सीसीईए ने वर्ष 2017-18 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कोयला और लिग्नाइट खोज की केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। तो सीसीईए की फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्मृति ईरानी ने इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां पर किया है। तो देखिए इसका शुभारंभ है वो मुंबई के अंतर्गत किया गया है। स्मृति जुबिन ईरानी ने मुंबई में इंडिया साइज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। कपड़ा मंत्री हैं ये स्मृति ईरानी और मुंबई के अंतर्गत जो इंडिया साइज प्रोजेक्ट, कहने का मतलब है देश के इतिहास में अपनी तरह का एक पहला प्रोजेक्ट है जिसका शुभारंभ है वो मुंबई के अंतर्गत हुआ है। इंडिया साइज जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है रेडी टू वियर कपड़ा, यानी कपड़ा तैयार करो और पहनो। तो मुंबई के अंतर्गत इंडिया साइज प्रोजेक्ट है उसका शुभारंभ स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, किस राज्य की निशी जनजाति ने
बुरी बुट्टो योलो महोत्सव मनाया है। तो देखिए ये जो निशी जनजाति है वो कौन से राज्य की है, अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश की जो निशी जनजाति है बसंत और अच्छी पैदावार के स्वागत के लिए बुरी बुट्टो योलो महोत्सव है उसका 52वां आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। बुरी बुट्टो योलो हर वर्ष फरवरी के महीने में मनाया जाता है। इस वर्ष पूणू या जाजिन और बुरी याप्पा नृत्य का भव्य आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सर्वाधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले शीर्ष 10 स्मारकों में निम्न में से कौन शामिल हुआ है। तो सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वालों के अंतर्गत ताजमहल शामिल हुआ है, आगरा का किला शामिल हुआ है और कुतुब मीनार भी शामिल हुआ है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 स्मारकों के अंतर्गत ये तीनों शामिल हुए हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। संस्कृति मंत्री कौन है, महेश शर्मा है। तो महेश शर्मा ने वर्ष 2015 के अंतर्गत और 2018 के बीच में देश के सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाले शीर्ष स्मारकों की सूची जारी की है। किसने जारी की है, संस्कृति जो मंत्री हैं महेश शर्मा उनके द्वारा ये सूची है वो जारी की गई है। वर्ष 2015-18 के दौरान सर्वाधिक राजस्व करने वाला जो शीर्ष जो स्मारक है वो कौन सा है, आपका ताजमहल है। वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के बीच में शीर्ष 10 की सूची तैयार की गई है जिसमें आगरा का किला भी शामिल किया गया है, लाल किला भी शामिल है, कुतुब मीनार भी शामिल है, कोणार्क का मंदिर शामिल है, हुमायूं का मकबरा, मल्लालापुरम, एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के स्मारक का समूह है, औरंगाबाद में जो अजंता की गुफाएं हैं वो भी इन 10 शीर्ष स्मारकों के अंतर्गत शामिल की गई है। देश की जो जीडीपी है उसमें पर्यटन का लगभग 4% योगदान है वो होता है और कुल रोजगार के अंतर्गत 8% योगदान है वो भी देश के स्मारक है, देश का पर्यटन है वही करता है। तो उपरोक्त तो सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बीपीआरडी ने राष्ट्रीय पुलिस मिशन के दूसरे राष्ट्रीय लघु मिशन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया है। तो देखिए इसका आयोजन है वो नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कौन है, एन वोहरा। तो एन वोहरा जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल है उन्होंने नई दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय पुलिस मिशन के दूसरे राष्ट्रीय लघु जो मिशन सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि जो बीपीआरडी है उसके द्वारा किया गया है। इसमें जमीनी स्तर पर कौशल एवं क्षमता, पुलिस में सोच परिवर्तन, लिंग संवेदीकरण, तकनीकी उपयोग और सामाजिक नगर व्यवस्था के मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। एनपीएम के आदेश पत्र को प्राप्त करने के लिए बीपीआरडी के तहत 8 लघु मिशन कार्यरत हैं। बीपीआरडी राष्ट्रीय पुलिस मिशन पर प्रतिवर्ष सम्मेलन है वो आयोजित करता है। तो देखिए इसका आयोजन है वो नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मंत्रिमंडल ने पशुओं के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है। तो मंत्रिमंडल ने पशुओं के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कामधेनु योजना ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इससे क्या होगा, देश की जो नस्ल है उसके अंतर्गत विकास होगा, जो संरक्षण सहित देश की जो मवेशी है उसकी आबादी का भी विकास होगा। इसी महीने की 1 तारीख को बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है उसकी घोषणा की गई थी। आयोग पशु चिकित्सा, पशु विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभाग और जो संगठन है उसमें सहयोग के रूप में भी ये काम करेगा। तो राष्ट्रीय कामधेनु जो योजना है उसकी शुरुआत है उसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रणजी ट्रॉफी 2018-19 का संस्करण है वो किसने जीता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2018-19 का संस्करण किसने जीता है, विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2018-19 का संस्करण की बात करें तो ये 85वां संस्करण था। उसके खिताब को बरकरार रखने के लिए नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने सौराष्ट्र को 78 रनों से हराया है। बाएं हाथ के जो स्पिनर आदित्य सारवटे हैं विदर्भ से संबंध रखते हैं, उन्होंने विदर्भ को अपने घर में जीत दिलाने के लिए मैच में 11 विकेट हासिल किए हैं। किसने हासिल किए हैं, आदित्य सारवटे ने हासिल किए हैं। रणजीत ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच में खेली जाती है। वर्तमान में प्रतियोगिता में 37 टीमें हैं वो शामिल हैं जिसमें भारत के सभी 29 राज्यों से एक एक और किसी एक केंद्र शासित प्रदेश से 2 टीमों के साथ में प्रत्येक से एक टीम है वो भाग लेती है। प्रतियोगिता का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर उनके नाम के ऊपर ही ये रखा गया है जिन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता था। तो
जो विदर्भ ने ये खिताब है वो जीता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 8 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।